नमस्कार, जय बिंदे। हम अहम मृत्युंजय मिश्रा अपना पंच देखी लगन मारवा टाइम्स में बघेली संवाद। यह संवाद यूपी के गाजियाबाद से है। अपना का बताई कि यह 25 लाख के दिन दहाड़े लूट के वारदात का अंजाम दे के कुछ युवक फरार हो जाते हैं। यह घटना गोविंदपुरम के सी ब्लॉक में ही घटी है, जहाँ दो बाइक सवार में आए तीन लोग दिन दहाड़े गोली चलाए के ही पेट्रोल पंप कर्मचारी से 25 लाख रुपया लूट के लेके चले जाते। वहीं जब ही पंप कर्मचारी विरोध करे लागे तब बदमाश तीन फायर कई के ही क्षेत्र में दहशत फैला दी और 25 लाख से भरा बैग लूट के लेके फरार हो गए। घटना की जानकारी जैसे ने पुलिस का मिला थी तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और घटना के जायजा ले थे। बदमाशन का ट्रेस करे खातिर सीसीटीवी कैमरा खंगाले जा लागे। बतावा जा लाग है कि यह घटना मसूरी थाना क्षेत्र के डासना में ही इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप है, जहां दोपहर का ही करीब 1:30 बजे के लगभग पेट्रोल पंप के कर्मचारी पप्पू कुमार कामत और सन्नी शुक्ला 3 दिन के 25 लाख रुपया कैश लेके गोविंदपुरा स्थित एचडीएफसी बैंक में जमा करावे चले जाते रहे। पेट्रोल पंप के मैनेजर रितेश कुमार और एक अन्य कर्मचारी ऋषभ शर्मा द्वारा दूसर बाइक में ही पीछे पीछे आवत रहे। जैसने इन सब कर्मचारी गोविंदपुरम बी ब्लॉक के पास पहुँचे थे, तब स्प्लेंडर और अपाची से दो बाइक सवार नकाबपोश में तीन बदमाश ओवरटेक कर रहे थे। जौन पेट्रोल पंप कर्मी रहे, जौन पैसा जमा करे ले चले जाते रहे, उनके सामने अपन गाड़ी लगा दे थे। वो तीन बदमाशन में एक बदमाश उधर के ही बाइक छीनत है और दूसर बदमाश तीन फायर करत है और दोनों मोटरसाइकिल लेके अपन फरार हो जाते हैं। और कर्मचारी से जौन बैग छीनी वह बैग में 25 लाख रुपया रहा थी। फिलहाल अब तक इन युवक को वहीं पुलिस महकमा पहचान नहीं कर पाई है। वहीं इनका ढूंढे खातिर सीसीटीवी कैमरा खंगाल रहे हैं। अब देखे वाली बात होती कि गिरफ्त में आवत हैं कि यमे के वारदात का अंजाम दे के बाद फरारे रह जाते हैं।